मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुरु के मुंडन के लिए। मॉर्निंग के 6 बजे हैं और हम तैयार हो गए हैं। हम ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, बट नियर बाय जो भी, मतलब जैसे गड़गंगा है हम वहाँ जा रहे हैं। और हमारी कार नहीं आई, हम कार से नहीं जा रहे, तो हम प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा रहे, हम जाएंगे लोकल से। और यहाँ सभी लोग तैयार हैं, मेरी मुक्कू भी तैयार है, मुक्कू सोई हुई है। ये हमारे पति देव तैयार है मास्क लगा के एंड टुक्कू। तो हम बस निकल रहे हैं, मिलते हैं पहुँच। टुक्कू तैयार है, सुबह सुबह उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट था टुक्कू के लिए। बहुत जल्दी जल्दी से ब्रश कराया टुक्कू को, तैयार किया टुक्कू। और बताओ जल्दी से, आप कहाँ जा रही हो? टुक्कू जा रही है स्विमिंग पूल, मतलब ये स्विमिंग पूल को स्विमिंग पूल बोलती है। और हम जा रहे हैं बीच पे, बीच पे। ओके, कैन सी यू देयर, सी यू देयर, बोलो बेटा, चलो मिलती हूँ वहीं पर। तो बस ऐसे ही इतना, मतलब मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाई क्योंकि 4 बजे से तैयारी करनी थी। हम सोच रहे थे कि जल्दी चले जाएं और जल्दी वापस आ जाएं। और स्नान का जो टाइम है वो भी सही है, मुहूर्त होता है, सही मुहूर्त है। और मुक्कू 4 मंथ में चल रही है, तो हमने सोचा कि अभी करवा देते हैं। बस नीचे आ गई, बाहर पहुँच गई, जल्दी जल्दी बस चल रही थी। और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई जैसे मैं पहुँची। और क्या हुआ कि ना, मेरी जो स्लीपर थी वही टूट गई। उसके बाद हमारी बहुत लड़ाई हुई, लड़ाई नहीं मतलब उन्होंने मुझे कहा तुम यार अनु क्या करती हो, हमेशा तुम्हारे साथ यही होता है। तो हम लोग बस पेट्रोल पंप पे थे, वेट किया थोड़ा सा 5 CNG पंप पर। और बस ये है, रास्ते में हम पहुंच रहे हैं। Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. तो बस यहाँ पहुँचने के बाद हम चले थे। और मतलब इस तरह की जगहों पर तो बहुत सारे जगह में हम लोग बात कर रहे थे। और ये हमारी मुक्कू माता, और ये हमारी टुक्कू जो कि तरह का माहौल टुकू ने पहली बार देखा है, तो थोड़ा एक्साइटेड थे। इधर उधर शॉप वगैरह देख के उसे क्या पी? तो बस हम पहुंचने वाले हैं, बस ये मार्केट के पास। तो हम पहुंच गए गंगा सप्तमी, जिसमें स्नान का बहुत अच्छा महत्व रहता है। और यहाँ मंत्र वगैरह चलते, तो ऐसी ही जगह पर आके खुद ही बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं नीचे की तरफ मतलब उतर रही थी घाट की तरफ, तो बस मम्मी को मैंने पकड़ा दिया है मुक्कू का मुंडन कराने के लिए। मुक्कू के बाल उतरेंगे तो मम्मी ही पकड़ेंगे, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। टुक्कू के टाइम पर टुक्कू को दीदी ने पकड़ा था, मतलब बिठाया था, क्योंकि मुझे बच्चे सर वगैरह हिलाते तो हो सकता है कट लग जाए, इसलिए मैं नहीं पकड़ रही हूँ, मम्मी को ही पकड़ा दिया। कोई बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम मम्मी के साथ ही गए थे। और संडे सैटरडे का टाइम होता है हमारे पास, तो हमने सैटरडे को तो ये मुंडन संस्कार वगैरह नहीं करते हैं, तो हमने संडे का डे फिक्स किया है। और मॉर्निंग में हम 6 बजे निकले थे, तो हम आराम से 8-9 बजे पहुँच गए थे। और बस अब पहुँच के हमने कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पता वता किया कि कैसे होगा क्या होगा, और बस करवा लिया। लाइक देखने कितना टाइम लगता है। और मुक्कू बहुत रो रही है, वो तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुक्कू बहुत रो रही है क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हो गई कि मुझे तो इतना रोएगी तो मुझसे, मैं पहली बार मुक्कू इतना रो रही है, मतलब वो इतना रोती ही नहीं है जनरली, तो जितना रो रही है। और अगर मैं इसने अगर ऑडियो रखती तो बहुत उसका रोना रोना ही रहता, मेरी आवाज़
आपको समझ में ही नहीं आती। तो बस इतना टाइम था कि इसको हमारे यहाँ क्या होता है कि एक आटे की वो बनाकर लोई आटे को गूंथ के उसी में बाल रखे जाएंगे, तो वो सब मम्मी ही करेंगी। मैंने सब कुछ रख दिया है सारा लाकर, बस मुझको ऐसे देख रही है, मतलब अजीब लग रहा है मुझे भी देखकर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग है बट पूरा इसमें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। और मुझको जितना दिख रही है आराम से, लेकिन उतना ही रो भी रही है, और बस हो गया है, बहुत रो रही है, भगवान बहुत ही रो रही है ये। इसने बिल्कुल अपना मुंह लाल कर लिया था और बिल्कुल चेंज कर लिया था इसने अपना कलर, जैसे ही इसको मतलब बच्चे को भी पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, तो इसने बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लिया। देखो उसका फेस दिख रहा है, बहुत रो रही थी, आंसू निकाल निकाल के रोई जा रही है। अदर टुक्कू तो बिल्कुल आराम से खेल रही है। टुक्कू को तो बस कि ये था, हमने दो दिन पहले मतलब डिसाइड किया था कि हाँ हमें चलना है, तो बस टुक्कू तो तैयार है कि बस कब जाकर गंगा जी में डुबकी लगाई जाए। मतलब बच्चे को इतना नहीं पता होता क्योंकि हम अभी तक टुक्कू को लेकर कोई स्नान वगैरह के लिए नहीं गए हैं बीच वगैरह पर। हमने प्लान बनाया था बट वो कोरोना की वजह से नहीं पूरा हो पाया, तो पता नहीं था कि हम मुक्कू को लेकर यहाँ आएंगे। हमारे यहाँ होता शीतला माता मंदिर पर, लेकिन कुछ आजकल ऐसा है कि वहाँ पर करा लो, लेकिन फिर भी बाल को सिराने के लिए हमें गंगा जी जाना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं पर करा लेते हैं। हमने टुक्कू का कराया था उस टाइम पे, हमें पता ही नहीं था, तो फिर वो यही हुआ कि हमें बालों को लेकर गंगा जी जाना पड़ा। तो अब हमने क्या, हमने सोचा यहीं कराएंगे तो यहीं की यहीं साथ साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, और बच्चा और फिर टुक्कू भी अगर स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम कहीं नहीं जा पाएंगे, और फिर मुक्कू भी बड़े हो जाएगी, तो मतलब धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो फिर बीच पर वो ऐसा लगा था कि हाँ भाई बीच तो बीच है, अब गंगा का हो या कुछ समुंदर का हो, बच्चों के लिए तो बस स्विमिंग पूल बीच। अब क्या था, टुक्कू अपना बीच का हो चुका है, बस हम स्नान करेंगे थी, तो ऐसा नहीं हुआ कि हम उसको यूज़ कर पाएंगे। बीच पर हैं हम, गंगा बीच पर। चलो मन ही नहीं कर रहा कि हम मतलब गंगा से बाहर निकले, तो मैं टुक्कु को लेकर अंदर दोबारा से चली गई और छोटी को हमने स्नान करा दिया, लेकिन छोटी तो रो रही थी और बस पानी में ऐसा लग रहा था कि पानी में ही रहो, ना तो पानी ज़्यादा ही ठंडा था ना ज़्यादा गर्म था। मैंने सोचा एक बार मुक्कू को दोबारा से स्नान करा देते हैं और अच्छा रहेगा। और पानी मतलब यहाँ पर तो इतना डीप नहीं था, तो फिर हमने क्या बोटिंग करें या ना करें, हमने कहा यहीं पर थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वो पीछे टुक्कू और उसके पापा हैं यार, मैं मुक्कू को लेकर आगे स्नान करवा रही हूँ और बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर अभी तक। तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा मेरा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो मुंडन संस्कार था मेरा भी यहीं पर हुआ था। ऐसा मतलब कोइंसिडेंस है, जो चीज़ जैसे तरह से मेरे साथ हुई है सेम टू सेम मुक्कू के साथ वही हो रहा है। को तैयार है स्नान करने के बाद, तैयार हूँ मैं भी, बस सब पूजा पाठ का जो भी विधान है वो पूरा हो गया। श्रद्धा देखिए मतलब क्या कर रही है, मतलब उसे कहना नहीं पड़ता, ये टुकड़ों में पूरा चल रही है। हम
वापस के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा चाह रहे थे बैठ जाएं, बट धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और ये कुछ समारोह हो रहा था, तो फिर हम टुक्कू को शंकर देखने का बहुत शौक है तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं। और ये इतनी धूप की वजह से मैंने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया, पता चला कि इतनी टैनिंग हो जाती है, और क्लोरीन हो या ना हो हम यहाँ पर थोड़ा सा बैठ के देखो। बस ये गेम खरीद रहा था और बस हम कार में बैठ गए, हम वापस जा रहे हैं और काफ़ी पैदल चलना पड़ा हमें और हम अब घर पहुँच गए हैं। घर पहुँचने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट मैं बैठी, फिर हमने खाना खाया, सुबह से खाना खाने का वक्त ही नहीं मिला और ये मुक्कू हमारी चकलू बन गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।